नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयसिंह नगर इकाई द्वारा शासकीय महाविद्यालय जयसिंह नगर के प्राचार्य को सौंपा, जिसमें प्रमुख मांगों को रखा गया। यह कि सत्र 2020-21 हेतु महाविद्यालय में बीए, बीएससी तथा एमए, एमएससी में प्रवेश लेने हेतु ऑनलाइन पोर्टल में लगभग 600 आवेदन प्रतीक्षा सूची में हैं। पिछले वर्ष आपके द्वारा महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर 550 छात्र छात्राओं तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 120 छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया गया था। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी तत्काल प्रभाव में सीट वृद्धि कर प्रवेश दिए जाने की कृपा की जाए। यह कि इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने एमपी ऑनलाइन के माध्यम से लगभग 600 रुपए पंजीयन शुल्क देकर इसी आशा के साथ पंजीयन करा लिए हैं कि उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा। अब उन छात्र छात्राओं में प्रवेश न होने की स्थिति में काफी उदासीनता है। अतः श्रीमान प्राचार्य महोदय जी से अनुरोध है कि उन सभी छात्र छात्राओं का पिछले वर्ष की भांति उतनी ही संख्या में इस सत्र में भी प्रवेश लिए जाए। प्रवेश न होने की स्थिति में छात्र छात्राओं द्वारा तथा हमारे महाविद्यालय में चल रही छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तात्कालिक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ज्ञापन देते समय नगर मंत्री आशीष गुप्ता जी के साथ साथ आस्था तिवारी, राहुल नामदेव, गुलाब सिंह, संदीप गुप्ता, निशिकांत गुप्ता, कल्पना शर्मा, अर्चना तिवारी, शालू शर्मा, महेंद्र नामदेव, हर्ष गुप्ता, आयुष गुप्ता, प्रियंका पांडे, शिवानी गुप्ता, रागिनी शुक्ला, सपना जायसवाल, सत्या सिंह, रेशमी नामदेव, मधु शर्मा, योगेंद्र गुप्ता, आशुतोष चतुर्वेदी, दीपेश तिवारी, सौरभ तिवारी, दिव्या गुप्ता, अंशु वर्मा, हर्ष मिश्रा, श्रद्धा केवट, सोनल तिवारी, सचिन शुक्ला, शिवानंद नामदेव, निशा कोल, काजल तिवारी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।